Hi guys, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand friend, this is Rahul Dawat and once again I warm welcome to all of you. आज की इस खास वीडियो के अंतर्गत मैं कवर करने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी हुए आपके तमाम नए नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन. So if you are visiting to our channel for the first time, then you must subscribe the channel because it takes a lots and lots of time period to research job related notification. इसलिए again and again आप सभी लोगों को force किया जाता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा बिकॉज आप सभी लोगों के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू पीडीएफ. आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा फेसबुक ग्रुप है उत्तराखंड ओपन लर्न, स्क्रीन पर आपके पास जानकारी दिया गया है. यहां पर आपको तमाम नए नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ की जानकारी शेयर की जाती है सही समय के अनुसार. सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड ओपन लर्न हमारा फेसबुक ग्रुप है. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है उत्तराखंड ओपन, हमारे टेलीग्राम आईडी है स्क्रीन पर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी दिया गया है. आप टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहां पर तमाम भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ पर डे के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती है. साथ में अगर आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कॉमेंट सेक्शन में और साथ में अगर आप हमें पर्सनली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी हमारी उत्तराखंड ओपन है. डायरेक्ट आप हमें प्रश्न कर सकते हैं उत्तराखंड ओपन पर और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं. विद इन 12 आवर्स के अंतर्गत आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे. सो मेक श्योर अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप फॉलो कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट GDS सेक्शन के अंतर्गत, यानी आपके GDS के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा. सो अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज उत्तराखंड के अंतर्गत भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 40 देखने को मिल जाएंगी. तो 20/5/2023 की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल में 2023 के लिए. रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए फॉर्म फिल होंगे 22/5/2023 से 11/6/2023 तक. रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन बाय कैंडिडेट एडिट एंड करेक्शन विंडो रहेगा इसके लिए 12/6/2023 से 14/6/2023 तक. पोस्ट की बात करें सो इसमें बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए एलिजिबल एप्लीकेंट से इंगेजमेंट एज अ ग्रामीण डाक सेवक GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस BOS क्रिएटेड इन ईयर 2023. सो इसमें बताया गया इमोल्यूमेंट्स की जानकारी दिया गया. BPM के लिए 12,000 से 29,380 रुपये आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा. ABPM के लिए 10,000 से 24,470 रुपये. एंड BPM के लिए जॉब प्रोफाइल आपके पास दिया गया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं. इसका बेसिकली मैंने PDF आप सभी लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दिया था. असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है. एलिजिबिलिटी की बात करें एज आपका 18-40 ईयर्स है और तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे. एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, EWS के लिए 9 रिलैक्सेशन. बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी यहां पर एज रिलैक्सेशन की जानकारी दिया गया है. 10th स्टैंडर्ड है आपके पास, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं सो आप एलिजिबल हैं. मेरिट बेसिस में सिलेक्शन रहेगा और मे बी जिन भी अभ्यर्थियों की अच्छे परसेंटेज हैं 10th स्टैंडर्ड में सो आप लोग तभी आवेदन करें, अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड बिकॉज इसमें एग्जामिनेशन हेल्ड नहीं होता है, मेरिट बेसिस सिलेक्शन रहता है. अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीनिंग ऑफ लाइफ फूड रिजर्वेशन के बारे में. सो यहाँ पर आपके पास किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया गया. द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ 10, कन्वर्जन रहेगा ऑफ ग्रेड पॉइंट ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट पैरा थर्ड में इसे एक्सप्लेन किया गया, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड और अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेट 2% टू द एक्यूरेसी ऑफ 4th डोमिसाइल. सो इसका कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, सारी जानकारी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे. तो यहाँ पर बताया गया आपका ग्रेड ग्रेड पॉइंट एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के बारे में. सो आप PDF को चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आपको जानकारी दिया गया है. सो इंस्ट्रक्शन आप रीड आउट कर सकते हैं. वेल अगर मैं आप लोगों के साथ सर्कल नेम एंड यानी स्टेट वाइज अगर आप चेकआउट करना चाहेंगे तो यहाँ पर जानकारी दिया गया है. तो जिस भी स्टेट के अंतर्गत आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं. बेसिकली अगर उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में इसमें आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, टोटल आपको 40 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी. तो आप अनरिजर्व OBC SC ST EWS PWDA PWDB PWDC एंड PWDDA
वैकेंसीज कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट, और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लाइन पर अपडेट कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वेल, अगला नोटिफिकेशन की बात करूं जो कि जारी किया गया श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी किया गया है 18 मई 2023 की डेट में, जिसमें जानकारी दिया गया है कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय जहाँ पर मुख्यालय बादशाह हॉल टिहरी गढ़वाल है, और यहाँ पर आपका विज्ञप्ति की जानकारी दिया गया है कि इसमें कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विभागों में सृजित पदों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉकर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका पीजी कॉलेज श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आपका इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट रखा गया है और कॉमर्स के अंतर्गत 1 पोस्ट रखा गया है। 23 मई 2023 को प्रातः 10:30 बजे इसका वॉकर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका इसमें बताया गया है UGC नियमानुसार रहेगा, सो आप लोग वॉकिंग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी पद पर आवेदन करने के इच्छुक आवेदक करता है जो। वेल, अगर मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूं जो कि जारी किया गया है केंद्र आपका केंद्र भवन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत रुड़की के अंतर्गत ये जारी किया गया है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए, जिसमें कि 56,000 रुपये आपको वेतनमान देखने को मिल जाएगा और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 2/6/2023 है। तो आपको इससे पहले आवेदन करना है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दिया गया है। सारे इंस्ट्रक्शन आप जरूर सही से रीड आउट करें, इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज अगर मैं इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करूंगा, इवन आप सभी लोगों का भी सारे क्वेश्चन आते हैं कि भैया आपकी वीडियो लंबी रहती है, सो इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है और पीडीएफ की जानकारी आपके पास माई टेलीग्राम ग्रुप्स में अवेलेबल करवा दी गई है, सो आप लोग रीड आउट कर सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पद के लिए जो भी इच्छुक आवेदक करता है आवेदन करना चाहते हैं। सो अगला नोटिफिकेशन रिलीज किया गया गोपेश्वर के अंतर्गत कार्यालय कार्य योजना अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के अंतर्गत। सो बताया गया है कार्य योजना सहायकों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, इसका नोटिफिकेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है फॉर वर्किंग प्लान एसोसिएट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आपके 2 जारी किए गए हैं, क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है, सो आप लोग इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। अपर एज लिमिट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। फेलोशिप अमाउंट 25,000 आपको देखने को मिल जाएगा। 10 ईयर के बारे में मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा आपके पास इसका पीडीएफ में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट भर्ती विज्ञापन जारी किया गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत रिलीज किया गया है। उधम सिंह नगर के अंदर एडवर्टाइजमेंट है वॉकर इंटरव्यू, जिसका 25 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। BSc आपका एग्रीकल्चर से है या बायोलॉजिकल से अंतर्गत है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका MSc रखा गया बॉटनी एग्रीकल्चर एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक लेआउट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डेटा ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा। अपर एज लिमिट आपका 50 ईयर्स रखा गया है। मॉल्यूमेंट्स की बात करें 20,000+ HRA रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी आपके पास यहाँ पर दिया गया है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 25 मई 2023 बताया गया है 10:30 बजे। प्लेस एंड वॉकिंग इंटरव्यू की जानकारी आपके पास वेन्यू में दिया गया है एंड टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर आपके पास दिया गया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप पर अपडेट कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं भर्ती विज्ञापन की बात करूँ जो कि जारी किया गया UJVN लिमिटेड के अंतर्गत अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इसमें कि मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत 1 व इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत 2 पोस्ट आपकी रखी गई हैं। सो इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/5/2023 बताई गई है और इसका साक्षात्कार लिए जाने की प्रस्तावित तिथि व स्थल 5/6/2023 10:30 बजे विद्युत भवन डाक पत्थर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉकिंग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वह जानकारी दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। स्क्रीन पर आपके पास जानकारी दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।